हेलो एवरीवन, मेरा नाम सैफ। कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप बिल्कुल ठीक होंगे, मजे में होंगे। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई इतने दिन से वीडियोस क्यों नहीं आई, क्या हुआ है ऐसा वीडियोस नहीं आ रही। तो इसका रीजन भाई कुछ यूँ है कि हम घर पे थोड़ा बिजी थे, थोड़ी मेरी तबीयत भी खराब थी। मैं भी आपको मेरे फेस से लग रहा है ये नहीं, लेकिन अभी भी मैं मतलब इतनी परफेक्ट तो नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि आप सब हमें बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे। अम्मी जो है वो घर में थोड़ा बिजी है, तो वो भी कल से वीडियोस में जरूर आया करेंगे। आज वीडियो लेकर आए हैं जिसमें मेजर गौरव आ रहा है, जिसमें हम देखने वाले हैं कि भाई पाकिस्तानी टीम जो है ना भाई मतलब हॉकी में वो चाइना को सपोर्ट करती हुई दिखाई दी है, और वहां पे वो अच्छी खासी जलील हुई है। देख क्या भाई मेजर गौरव आ रहा है, उनको कितना जलील करते हैं। प्लीज वीडियो को एंटर कीजिएगा, चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज वीडियो से। जैन दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। आपको पता है कि भारत एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टाइटल 2024 जीत गया है चाइना को 1-0 हरा कर। लेकिन ये तो खुशी की बात है, लेकिन इससे ज्यादा चर्चित कि भारत जीत गया है, एक फोटो है जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। दोस्तों, मैंने सोचा आज उस फोटो के बारे में आपसे बात करूं। ये पाकिस्तानी प्लेयर्स और उनके कोच बैठे हैं और चाइना का झंडा हिला रहे हैं। तो काफी लोगों ने इनको ना मजाक उड़ाई इनकी, और काफी लोगों ने ये बोला कि साहब आप चाइना का झंडा क्यों हिला रहे हैं और ये सब। तो मैंने ट्वीट करा था इसके बारे में, मेरा ट्वीट सामने है। यार देखो ना, पूरे मुल्क को उन्होंने पाल रखा है चाइनीज ने, पूरे पाकिस्तान को वो स्पॉन्सर कर रहे हैं। आपने देखा होगा पेप्सी, कोक, ये पता नहीं टाटा, पता नहीं, जब आईपीएल खेलते हैं लोग, है ना, जब आईपीएल खेलते हैं आपने देखा कि स्पॉन्सर का वो लगाते हैं, अपना लोगोज लगाते हैं स्पॉन्सर के, सभी लोग लगाते हैं, दुनिया भर में लगाते हैं, सिर्फ आईपीएल में नहीं, एवरी कंट्री स्पोर्ट्समैन तो लगाते ही हैं। तो ये भी यार, ये चाइना का झंडा, चाइना उनके स्पॉन्सर है, आपको क्या लग रहा था किसका झंडा हिलाएंगे वो लोग? दोस्तों, आपको क्या लगता है कि किसका झंडा फहराएंगे, किसका झंडा फहराएंगे? भारत का तो फहराएंगे नहीं, भारत तो काफिर है, भारत का झंडा नहीं फहराएंगे। चाइनीज भी काफिर है, लेकिन चाइनीज अमीर काफिर है जो पैसे देता है, तो उसकी जो कोट अनकोट काफिरियत है वो कम हो जाती है या जीरो हो जाती है, क्योंकि चाइनीज इनके मुंह पर पैसे मारते हैं। तो ये देखिए, ये हैं गुलाम, ये गुलाम हैं, चाइना के गुलाम हैं, चाइना के झंडे वहां पे हिला रहे हैं। तो काफी इनकी ट्रोलिंग हुई कि भाई चाइना के झंडे आप फहरा रहे हो, और फिर पाकिस्तानी प्लेयर्स, पुराने प्लेयर और पाकिस्तानी स्पोर्ट्स कमेंटेटर पाकिस्तानी स्टूडियोज में बैठ के साहब बड़ी छाती पीट रहे थे कि हम तो चाइना से बड़े ऊंचे थे रैंकिंग में, और चाइना तो 20, 24, 25 पता नहीं क्या उनकी रैंकिंग है, हम चाइना से कैसे हार गए। अब इसमें भी बोल दो साजिश है कोई, चाइना ने कोई माइक्रोचिप लगा दिया होगा बॉल में, हॉकी स्टिक के अंदर कोई चुंबक लगी होगी, कोई मैग्नेट लगा होगा जिससे बॉल चिप, कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तानी ऐसे हैं, जाहिल हैं, मदरसा छाप हैं, ये कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये फोटो देख के बॉस बड़ा मजा आया। एडिटर साहब एक बार दोबारा ये फोटो दिखाइए, ये देखिए साहब ये फोटो है, इनके चेहरे पे खुशी नहीं है, आप इनके चेहरे देखिए, कोई मुस्कुरा नहीं रहा है, कोई एक्साइटमेंट नहीं है, पाकिस्तानियों के चेहरे पे कोई एक्साइटमेंट नहीं है, जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए भी बस ऐसे मरे पड़े बैठे हैं, सुस्त एकदम। इन्होंने मैच भी वैसे खेला था जैसे इनकी शक्लें हैं ना, एडिटर साहब जरा इनकी शक्लों पर जरा लाल गोले बनाओ, जरा बढ़िया से लाल गोले बनाओ। ये देखो जनाब, ये हैं पाकिस्तान के प्लेयर्स और पाकिस्तान के कोच, ये इनके चेहरे हैं मायूस टाइप के। ये वैसे कौमी शक्ल है पाकिस्तान की, मायूसी वाली कौमी शक्ल है ये, जिसके लिए जब इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच हो रहा था, इन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए, क्रिकेट के बात कर रहा हूं, तब इन्होंने साउथ अफ्रीका के लिए बड़े झंडे हिलाए थे इन लोगों ने कि जीतेगा भाई, जीतेगा साउथ अफ्रीका, जीतेगा, बड़े इन्होंने नारे लगाए। इतनी बड़ी पनौती है पाकिस्तान, इनके चलते साउथ अफ्रीका हार गया। अब मैं बताता हूं आपको पाकिस्तानियों को, अगर आप चाहो ना कि इंडिया हारे, आप इतनी बड़ी पनौती हो, आप इंडिया के लिए चीयर करो, इंडिया के लिए, इंडिया के लिए आप चीयर करो, तो हो सकता है तब इंडिया हारेगा, क्योंकि तुम जिसके लिए चीयर करते हो वो हार जाता है। चाइनीज को तो वैसे ही डर लग रहा था कि कहीं मैच के बाद लोन ना मांग लें ये लोग। अच्छा, उसके बीच में एक और चीज बड़ी वायरल हो गई, राणा वहीद अशरफ, ये पाकिस्तानी प्लेयर है, इसको 10 मिनट का येलो कार्ड मिला, इंडिया के जुगराज सिंह को इसने फाउल कर दिया, इसने जुगराज सिंह को पुश कर दिया, जुगराज वॉज इन कंसिडरेबल पेन, बहुत दर्द में थे जुगराज, और यहां पे हरमनप्रीत सिंह और उनकी लड़ाई हो गई, तनातनी हो गई, वहां पे राणा चुपचाप कटने के चक्कर में था, वो फेस नहीं कर पाया हरमनप्रीत सिंह को, वो फेस नहीं कर पाया वहां से,
जब हरमनप्रीत सिंह सामने खड़ा हो गया ना, बोला कि भाई कर कह रहे हो ये, तो चुपचाप चोरों की तरह, मैंने बोला ना एक कौमी कैरेक्टर होता है ये, उसकी गलती नहीं है राणा की, कौमी कैरेक्टर है ये, पहले पंगे लो, जब दूसरा बंदा बोले, वही पैलेस्टीनियन विक्टिम कार्ड, जब दूसरा बंदा बोले कि तुमने क्यों करा, फिर तुम विक्टिम कार्ड प्ले करो, फिर तुम कोने में चले जाओ, ये राइट। अच्छा, यहां पे पाकिस्तान से दोस्तों एक और बढ़िया खबर है, 2024 से 2027 तक एशियन डेवलपमेंट बैंक पाकिस्तान को $2 अरब हर साल देगा। टोटल 8 अरब डॉलर पाकिस्तान ने अपना सेट कर लिया। भाई साहब, एक होता है भिखारी, एक होता है भिखारी प्रो, एक होता है भिखारी प्रो मैक्स, 6.5 इंच के स्क्रीन वाला, ये भिखारी प्रो मैक्स है। आप ये देखिए, एशियन डेवलपमेंट बैंक से IMF से बात चल रही है, IMF से 7 अरब की बात चल रही है, ठीक है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड का हमने कल कवर करा था, इन्होंने 600 मिलियन स्टैंडर्ड चार्टर्ड से ले लिए, और देशों से कुछ पैसे ले लिए। अब पता लग रहा है साहब कि 4 साल में 8 अरब का और इन्होंने जुगाड़ कर दिया है। 24, 25, 26, 27, टोटल 4 साल में हर साल 2-2 अरब मिलेंगे। इस साल 2 अरब, अगले साल 2 अरब, फिर 2 अरब, फिर 2 अरब, 2028-27 तक, माफ करना, इनको $8 अरब मिल चुके होंगे। ADB के प्रेसिडेंट मासात्सुगु असाकावा ने बोला कि ये पाकिस्तान विजिट करा, उसने बोला कि हाँ हम आपको ये पैसा जरूर देंगे। इसको बहुत बड़ी कौमी जीत मानी जा रही है पाकिस्तान में, और पाकिस्तानी बड़े खुश हैं कि हमें फिर से एक बार लोन मिल गया, फिर से भीख मिल गई। और बहुत सारे लोग पाकिस्तान में दोस्तों इस जीत का जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं कि देखो 2 अरब यहां से आ जाएंगे, 8 अरब यहां से आ जाएंगे, 7 अरब यहां से आ जाएंगे, $600 मिलियन यहां से आ जाएंगे। टोटल गिनो, कोई वहां पे ये जोड़ नहीं कर रहा कि तुम इतनी मेहनत करोगे, मैं इतनी मेहनत करूंगा, तुम इतना टैक्स कलेक्ट करोगे, ये वो करेगा, हम लोग अपना टैक्स नेट वाइडन करेंगे, एक्सपोर्ट बढ़ाएंगे, रेमिटेंसेस बढ़ाएंगे, ये कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा। आपने पिछली बार कब किसी पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम डेली में आर्टिकल पढ़ा था, या कौन से आपने टेलीविजन स्टूडियो में बहस सुनी थी कि पाकिस्तान की इकोनॉमी इस प्रकार से हम ठीक करेंगे और ये हमने शपथ ली है? क्या बोला था इसने शहबाज शरीफ ने? एडिटर साहब दिखाएं जरा, शहबाज शरीफ ने जो कसम खाई थी कि मैं कसम खाता हूं कि ये हमारा आखिरी IMF का लोन होगा, उसके बाद एक और IMF के लोन के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया। 25वीं बार जा रहे हैं ये लोग IMF में और कसम खाते हैं कि आखिरी होगा, लेकिन ADB की कसम नहीं खाई थी, IMF की खाई थी, IMF की भी कसम तोड़ दी और ADB से और 8 अरब पकड़ लिया उन्होंने। ये देखो भाई साहब, $2 बिलियन पर ईयर, राउंड 1 बिलियन विल बी प्रोवाइडेड एट फिक्स 2% इंटरेस्ट रेट थ्रू ADB's कंसेशनल विंडो। यहां पे भी इन्होंने कंसेशन ले लिया भाइयों ने। पाकिस्तान's एबिलिटी टू सिक्योर चीपर क्रेडिट इज हिंडर्ड बाय इट्स वर्सन्ड क्रेडिट रेटिंग विच 3 इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज प्लेसिंग पाकिस्तान बिलो इन्वेस्टमेंट ग्रेड। यानी कि 3 उसमें से एक फिच है, एक और भी है, SP भी है, फिच भी है, और एक और है, तीसरे का नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है, उसने बोल दिया कि पाकिस्तान इस लायक नहीं है कि आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करो। पाकिस्तान हैज बीन बोरोइंग एट अनसस्टेनेबली हाई रेट्स फ्रॉम 7% टू 11% ड्यू टू लेंडर्स स्केप्टिसिज्म अबाउट इट्स क्रेडिट वर्दनेस डिस्पाइट अ स्टाफ लेवल अग्रीमेंट विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब देखो ना, 7-11% ये इस पे पैसा उठा रहे हैं और वापस करने की क्षमता नहीं है पाकिस्तान की, क्योंकि इतने हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे पाकिस्तान वापस नहीं कर सकता। और जो लेंडर्स हैं, अब वो उनका दुख दुख हो रहा है, उनका दुख दुख इसलिए हो रहा है, कह रहे हैं यार इनको तो हम पैसा तो दे दें, ये वापस नहीं कर पाएंगे। मैं तो लेंडर से ये कह रहा हूं कि आप क्यों 7% 11% के चक्कर में फंसे हुए कि तुम्हारा वापस नहीं कर पाएंगे पैसा। आप ये देखो कि इन्होंने आज तक वापस करा किसका है, ये भी तो होना चाहिए ना कि जनाब हमने इसका वापस करा है, 10 में से हम 3 का वापस कर दिया, 7 का नहीं कर पाए, लेकिन 3 तो हैं जिनका वापस करा है, वो 3 का नाम भी नहीं है पाकिस्तान के पास। अब ये देखो, द ADB's न्यू पाकिस्तान कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटजी फॉर 2630 इज बीइंग डेवलप्ड फोकसिंग ऑन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट रेजिलियंस डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड रीजनल इकोनॉमिक इंटीग्रेशन अंडर द सेंट्रल एशिया रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। सब फ्रॉड है ये, अंग्रेज इसको पैसे देते रहेगा, कभी क्लाइमेट चेंज के नाम पे, कभी गर्ल एजुकेशन के नाम पे, कभी पोलियो के नाम पे, कभी इसके नाम पे, उसके नाम पे, इन भाई लोगों ने कुछ नहीं करना, मैं बता रहा हूँ। एवन फील्ड लंडन में जाके इन्होंने बड़े बड़े अपार्टमेंट खरीदने हैं, इन्होंने दुबई में शॉपिंग प्लाजा बनाने, और इनका कोई काम नहीं। कोई पाकिस्तानी पूछे, मैं तो कई बार बोलता हूँ यार, कोई पाकिस्तानी इनको जाके पूछे, शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को कोई जाके पूछे कि भाई इतने सालों में तुमने इतने अरब डॉलर का लोन लिया, वो पैसा गया कहाँ, जरा बताओ, क्योंकि वापस करना है, ये भीख नहीं है,
ये लोन है, भीख तुम्हें अलग से मिल रही है, ये लोन है भाई, ये तुम्हें वापस करना है, तुम्हारे बच्चों को वापस करना है, कैसे करेंगे तुम्हारे बच्चे? एक पाकिस्तानी बच्चा पैदा होता है 3 लाख रुपए का लोन लेके पैदा होता है, एट एन एवरेज बता रहा हूं आपको। अगर पूरी इनकी पॉपुलेशन से आप डिवाइड कर दें तो आपको यह पता लगेगा कि एक पाकिस्तानी बच्चा जिस दिन पैदा होता है वो 3 लाख रुपए का मकरूज है। गुनाह है भाई, पाकिस्तान में पैदा होना भी गुनाह है, इसको गुनाह समझा जाए तो ज्यादा बेहतर है यार। क्यों पाकिस्तान में पैदा हो गए सच में? मतलब मुझे अपने पाकिस्तान से बहुत प्यार है, सब लोगों को अपने कंट्री से बहुत ज्यादा प्यार होता है, लेकिन यार हर पाकिस्तानी, आप कभी ना कभी उसके मुंह से जरूर सुनेंगे कि यार हम ऐसा होता ना कि हम किसी और कंट्री में पैदा हो जाते कम अज कम, क्योंकि यहाँ पे यार हालात इतने को ज्यादा खराब हो चुके हैं ना, सरवाइव करना मुश्किल हो गया। इतनी महंगी चीजें जो बंदा पहले सोचता था ना यार हम बचत कर लेंगे, कुछ अपना बना लेंगे, लेकिन यार इतनी महंगाई हो चुकी है कि बचत 1 रुपए की भी नहीं हो सकती। मैं कहती हूँ खाना पूरा हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात है, ऊपर से पाकिस्तानियों की हरकतें ऐसी हैं यार, ये देखो चाइना को जाके सपोर्ट कर रहे हैं और जाके उनको भी पनौती लगा दी। खुद तो पहले बड़ी इनका ना ये हॉकी का हो रहा था मैच, जिसमें बोल रहे थे भाई पाकिस्तान ने इंडिया का पहला गोल कर दिया, ये हो गया वो हो गया, लेकिन बाद में इंडिया ने इनके 2 गोल करके इनको भाई बाहर निकाल दिया। इतनी बड़ी इनकी इंसल्ट हुई, और चाइना को सपोर्ट कर रहे थे और चाइना को भी पनौती लगा के तो उसको भी हरा दिया। जिसको मतलब सपोर्ट करने जाते हैं ना उस बंदे को भी हरा देते हैं, खुद तो उन्होंने हारना ही होता है, लेकिन उसको भी ऐसी मतलब इनकी साथ वो बोलते हैं ना मनुष्यता है कि ये दूसरों को भी हरा देते हैं। और यार लोन लेने की बात अगर की जाए तो इन्होंने, मैंने नहीं आज तक कभी नहीं सुना हमारी न्यूज में पाकिस्तानी जो है ना मतलब इन्होंने लोन लिया हो और वापस करने की भाई किस्त। और एक दफा ये जरूर सुना था कि चाइना जो है ना उसने भाई इनको बोला कि हमारे जो आपने लोन लिया हुआ वो आप वापिस करो, और ये वापिस नहीं कर पाए तो इन्होंने ना उनको जो है अपनी जो जमीने हैं वो मतलब फिर भी जो है वो रख दी, वो अब उनकी ही हो गई है। ये करते हैं मतलब लोन चुका नहीं पाते ना तो अपनी जमीने दे देते हैं। हमारे मतलब कंट्री की जमीने इनकी कौन सी होती है, ये कौन सा अपने बाप दादा की लेकर आए होते हैं, हमारे जो लोगों की जमीन है वो उनको दे देते हैं। चाइना तो पहले यही चाहता है, श्रीलंका के साथ भी उसने ऐसा ही किया, दूसरे कंट्रीज के साथ भी, उसकी तो मतलब सोच यही है कि भाई इसी तरह से किया जाए। लेकिन पाकिस्तान सच में मैंने आज तक नहीं सुना था कोई कर्जा लेते हुए बड़ा प्राउड फील कर रहा हो यार हमें कर्जा मिल गया, तो हमें बड़ा प्राउड हो रहा है, जश्न मनाया जाता है यार, शर्म की बात है। और आपने वादा किया था कि हम आखिरी दफा किस्त ले रहे हैं, लेकिन ले लेते हैं। मैं ये सोचती हूँ यार वो देते क्यों हैं इनको, जब ये वापस नहीं करते तो ये क्यों देते हैं? मुझे लगता है कि इनसे पीछा छुड़ाने के लिए कि ये भीख हर टाइम मांगते रहते हैं, वो भी इनके 2-3 बिलियन, उनके लिए तो मुझे लगता है शायद कुछ भी नहीं है इतने पैसे, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़े ये पैसे हो जाते हैं। तो ये लेके सबने लूटना ही होता है, लूट के हमारा बेड़ा गर्क सच में करके रख दिया है। पाकिस्तानियों को बस नहीं चलता, वो इस कंट्री को बेच के हर चीज को बेच के बस बाहर भाग गए, तो ये हमारे हालात चल रहे हैं। और हाँ मैं आपको बताऊँ एक बात मुझे याद आई है कि आप लोन ये मेजर साहब बात कर रहे हैं ना कि कभी वापस नहीं किया, तो ये मतलब हमारी गवर्नमेंट का काम नहीं है। आप किसी यहाँ पे किसी लोकल बंदे को ना कर्जा दे के देख लो, एक मतलब आप उसे कोई पैसे लेने आया ना उसको पैसे दे दो, लेकिन जब आप उससे मांगने के लिए जाओगे ना वो बंदा आपकी इतनी इंसल्ट करेगा, हालांकि आपको करनी चाहिए उसकी, लेकिन वो बंदा आपको मुंह बनाएगा, आपको पैसे ही नहीं वापस करेगा, भाग जाएगा कहीं निकल जाएगा, लेकिन आपको पैसे नहीं वापस करेगा। ये सारी चीजें मैं सोचती थी पहले कि ये इन्होंने कहाँ से सीखी है, जब हमारे बड़े हुक्मरान ही ऐसे करते हैं तो ये जो छोटे छोटे लोग हैं तो इन्होंने भी तो यही करना होता है। सच में खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है कि कभी किसी को पैसे दिए हैं ना, जब उनसे मतलब पहले नंबर पर मुझे शर्म ही बहुत ज्यादा आती है मांगने में, तो भाई अपने पैसे दे के मांगने में बड़ी शर्म आती है, शायद आपके साथ भी ऐसा होता हो, लेकिन जब उस बंदे से मांगो ना तो वो बंदा ना मतलब आपको रूडली आपके साथ बिहेव करेगा, आपका नंबर ब्लॉक कर देगा, आपसे बात करना पसंद नहीं करेगा। सेम हमारी गवर्नमेंट के साथ भी ऐसा ही है, इन्होंने कभी लिए तो है कभी वापिस नहीं दिए, लेकिन इनके वो बोलते हैं ना रगा चे मुंह दे के निकालना सिर्फ चाइना को आता है और सऊदी अरेबिया ने दिन से एक दफा निकलवाए। यही आज के लिए कैसे लेकर बताना, आप मिलते हैं।